व्हाट्स अप गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग केवल लाइटरूम ऐप में एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो एडिटिंग कर ही लेंगे। तो आप लोग इस वाले वीडियो को कहीं पर भी अगर स्किप कर देते हैं तो आप इस टाइप की फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। और वीडियो के एंड में आपका भाई ना कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग वन क्लिक में भी एडिट करना सिखाने वाला है। तो वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेंगे और लेने के बाद सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पर क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग क्या करेंगे, लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। तो व्हाट्स अप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। तो वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के एंड में आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखाने वाला है और बहुत ही सरल तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड में आपको एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी कलर्स के आइकन पे हम लोग ऐसे क्लिक कर लेंगे। देन दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सेटिंग को बताने वाला हूँ जिसे आप अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिएगा, तभी आपके फोटो में सेम टोन आ पाएगा। तो सबसे पहले इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 36% कर लीजिएगा। देन दोस्तों इसकी टेम्प की वैल्यू भी ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 34% कर लीजिएगा और इसकी टिंट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -21% कर लीजिएगा। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा और काफी कलर आप लोगों के सामने मिलेंगे। तो यहीं पे काफी भाई मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए वो फोटो को एडिट नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू डिक्रीज करके -33 कर लेंगे, सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, इसकी ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100। इक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 और इसकी ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज करके -30% कर देंगे। सिंपल से गाइस आप लोगों को वीडियो को अच्छे तरीके से देखना होगा। उसके बाद ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -36 कर लीजिएगा। और सिंपल से आप लोग को येलो कलर को सिलेक्ट करके इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज करके -33% कर दीजिएगा। सिंपल से गाइस आप लोगों को इतना सारा काम कर लेने के बाद आपको अपनी फेस वाले कलर को सिलेक्ट करना होगा जो कि हम लोग का ऑरेंज कलर होता है। और कर लेने के बाद इसकी सैचुरेशन की वैल्यू आप लोग को ऐसे डिक्रीज करके -46 करना होगा, ल्यूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके 21% करके और रेड कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन की वैल्यू इंक्रीज करके 19% कर लीजिएगा। और सिंपल आप लोग को डन क्लिक कर देना होगा। और डन क्लिक कर लेने के बाद हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अगर आप इतना सारा काम कर लिए तो एक स्टेप और आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट फोटो एडिटिंग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे ऐसे क्लिक कर लेंगे। देन दोस्तों आप लोग को सिंपल से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि शैडो, मिड टोन, हाईलाइट और ग्लोबल। तो हम लोग शैडो में आके और अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से घसीट के ना थोड़ा सा हम लोग ब्लू साइड में करेंगे। और इसकी ह्यू की वैल्यू मैंने 233 रखा है और सिचुएशन को यहाँ पे 13 और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू मैं ऐसे डिक्रीज करके -49 कर लूंगा, ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 100%, इसकी बैलेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करके 24% कर लूंगा। और सिंपल से हाईलाइट वाले सेक्शन में आके और अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से इसे घसीट के ना मैं ब्लू साइड में करूंगा। और कर लेने के बाद इसकी ह्यू की वैल्यू मैंने 226 रखा है और सिचुएशन को यहाँ पे 28% और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके यहाँ से मैं -39 कर दूंगा। और सिंपल से मैं यहाँ पे डन क्लिक कर दूंगा। और डन क्लिक कर लेने के बाद हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अगर आप इतना सारा काम कर लिए तो सिंपल से आप लोग को इसके बाद कुछ भी नहीं करना होगा, इसकी लाइट वाले आइकन पे आके इसकी हाईलाइट वाले सेक्शन को -100 कर दीजिएगा, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके 29% कर दीजिएगा। देन दोस्तों ऐसे इसकी शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 38% कर लीजिएगा, व्हाइट्स की वैल्यू इंक्रीज करके 21% कर लीजिएगा और इसकी ब्लेड्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -35 कर लीजिएगा। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग आप अच्छे तरीके से देखिएगा और अपनी फोटो के साथ अप्लाई कीजिएगा, तभी आपकी फोटो अच्छे तरीके से एडिट हो पाएगी। अगर वीडियो को कहीं पर भी स्किप करते हैं तो आप उस टाइप की फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे।
सिंपल सा गाइस, ये सारी काम कर लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि कैसे आप अपनी फोटो के अंदर ना मतलब डिटेल्स को ऐड करेंगे, यानी कि फुल एचडी अपनी फोटो को बनाएंगे। तो उसके लिए सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स के आइकन पे जाएंगे, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 30% कर लेंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 55%, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 31% कर लेंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग आप अच्छे तरीके से देखिएगा, तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। इसकी कलर्स वाइज रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 32% और स्मूथनेस को 100% कर देंगे। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद सिंपल से अगला स्टेप जो हम लोग का होने वाला है ना, यही हम लोग का लास्ट स्टेप होने वाला है। इसके बाद आपका कंप्लीट फोटो एडिटिंग हो जाएगा और ऑरेंज कलर आप अपने बैकग्राउंड में वन क्लिक में डालने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट के आइकन पे आके इसकी विगनेट की वैल्यू हम लोग ऐसे कम करके -43 कर लेंगे, मिड पॉइंट की वैल्यू भी ऐसे कम करके 25% कर देंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग करते ही ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आगे आपको ये बता दूं कि कैसे आप अपने बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर को वन क्लिक में ऐड करेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और वन क्लिक में आपका भाई फोटो को एडिट करना भी बताने वाला है। उसको डालने के लिए सिंपल से हम लोग ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और आने के बाद मास्किंग के आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे ऐसे टैप करके ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, कलर रेंज के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को सामने कलर पीकर का आइकन मिल जाएगा, तो आप सिंपल से ऐसे इसे कहीं पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से आप इसे कीजिएगा, तभी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और कर लेने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके इसकी रिफाइन की वैल्यू ऐसे कम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इतना कर लेता हूँ इसकी रिफाइन की वैल्यू, आप लोग भी इसे अच्छे तरीके से कीजिएगा, तभी आप ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ऐसे कर लेने के बाद सिंपल अप्लाई क्लिक कर दीजिएगा, कलर्स के आइकन पे जाइएगा और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर लीजिएगा, टेंप की वैल्यू भी इंक्रीज करके 100% कर लीजिएगा, टिंट की वैल्यू भी इंक्रीज करके 100% करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग करते ही ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस वाली फोटो को अगर वन क्लिक में आप एडिट करना चाहते हैं तो मैंने इसी फोटो का प्रीसेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से प्रीसेट को डाउनलोड करके आप वन क्लिक में अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। और इस फोटो को फुल एचडी में सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे क्लिक करके मैं सेव टू डिवाइस कर दूंगा और हम लोग का ये फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।